इस वीडियो में हम आस्तीन का डिजाइन बनाना बताऊंगी। से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका कपड़ा जो है वो अंदर चल जाए, बिल्कुल बाहर से ना दिखे और डिजाइन भी बन जाए। तो बहुत इजी से मैं बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है और ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। तो इसे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। पहले हम डिजाइन को तैयार करेंगे। तो डिजाइन के लिए आप देख सकते हैं इस टाइप से कपड़ा कटिंग करना है आपको, जैसे बचा कपड़ा जो होता है ब्लाउज कटिंग करने के बाद में, उसी को आपको कटिंग करना है इस तरह से, और ढाई इंच इधर से ढाई इंच इधर से, मतलब स्क्वायर शेप में आपको कटिंग करना है इस टाइप से। और इसे हम क्या करेंगे, ऐसे डबल करेंगे और उल्टा सीधा देख कर कपड़ा जिधर से आपका उल्टा सीधा हो तो सीधे तरफ से आपको करना है, और फिर से हम ऐसे ट्रायंगल शेप बनाएंगे। इस तरह से बना करके सब मैं बना लूंगी और यहाँ सिलाई लगाना है। इस सिलाई लगाने के बाद में ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है साइड से, इसे पूरा काट के निकाल देना है इस टाइप से। इसे काट के निकाल देना तो ये कितना सुंदर तैयार हो गया। और इसी तरह से ऐसे सब बना लेना है, मैं इतना सारा बना लिया आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये आस्तीन को सीधा रखना, आस्तीन को इस तरह उल्टा सीधा देख लीजिएगा, जैसे आपका सीधा होगा तो सीधे तरफ से ही रखना है। और थोड़ा मेरा यहाँ से मुड़ रहा है, मैं प्रेस नहीं की इसमें, इस तरह से कर लेना। उसके बाद यहाँ ऐसे डबल करके और एक अंदाजा लगा लेना है कि हमारा फिटिंग का निशान कहाँ बन रहा है इस टाइप से। मेरा ये 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ तक से मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ 4.5 इंच हो रहा है हमारा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी आप देख सकते हैं, और यहाँ तक बनाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा ट्रायंगल शेप है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रहे कि ये जो शेप है वो इधर से करना है। अब गलती से इधर से नहीं सिलिएगा, इस तरह से रख करके इधर करके सिलना है इस टाइप से, ठीक है। इधर रहना चाहिए ताकि हमारा पलट के ये सीधा हो जाए और ये जो हमारा खुला खुला इधर से कपड़ा है वो अंदर चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप भी बनाइएगा। तो और एक एक करके इस तरह से रखते जाना है, ठीक है। थोड़ा इस पे चढ़ा करके रखना है ऐसे करके, और यहाँ से थोड़ा गैप आप देख लीजिएगा, इस तरह से रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं पूरे में अटैच कर दी, थोड़ा इसके ऊपर ऊपर से मैं रखी हूँ आप देख सकते हैं पूरा थोड़ा, ताकि ये वाली जो शेप हो ये एक जैसा हो और अच्छा लगे देखने में। अब ये जो अस्ट्रा है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अस्तर को ऊपर से रखेंगे इस टाइप से। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर से अस्तर को रख देना है इस टाइप से, और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम इसी जगह पे लगाएंगे जहाँ हम सिलाई लगाएं, इसी जगह पे आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। लगा दी, आप देख सकते हैं। अब मैं ऐसे सीधा करके दिखा रही हूँ इसको, इस टाइप से इसका लुक आया। यहाँ से हम इस टाइप सीधा कर देंगे तो ये पलट के हमारा उधर साइड चल गया, और ये हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो आप देख सकते हैं, और इधर से देख सकते हैं इसका बिल्कुल यहाँ से कपड़ा नहीं दिख रहा है, पूरा कपड़ा यहाँ लॉक हो गया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ पे नहीं गिरेगा कपड़ा। और यहाँ से भी डिजाइन इधर से मुड़ गया, सीधा कर दिए तो ये डिजाइन ऑलरेडी इधर से मुड़ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अगर आपको लेस लगाना है तो आप यहाँ लेस भी लगा सकते हैं, और अगर आपको सिंपल रखना है तो आप यहाँ से सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैं इसे सिंपल रख रही हूँ, सिर्फ यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ का शेप हम आपको बताएंगे किस तरह से, फिर बाद में आपको शेप देना है। लगा दिए आप देख सकते हैं, और इसका लुक भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप डबल कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे मैं डबल कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा आस्तीन को बड़ा ही कटिंग करती हूँ और बाद में इसे मैं शेप दे देती हूँ। जितना आपका मर्जी होगा उस हिसाब से यहाँ से आप नाप लीजिएगा, और उसके बाद में यहाँ से कटिंग करके निकाल देना, ये बाद में भी हो जाता है, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं ताकि छोटा ना पड़ जाए, अगर छोटा पड़ जाएगा तो फिर वो बनाने का कोई उपाय नहीं रहता, और थोड़ा बड़ा रहता है तो हम बाद में भी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं नाप लेती हूँ फिर से आस्तीन को इस तरह से। तो हमें रखना है आस्तीन को 4.5 इंच फिनिश में,
और यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रक कितना इसे में राउंड देके निकाल देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कटिंग करके निकाल दी, इसका शेप दे दी और इतना सुंदर लग रहा है इसका लुक देखने में। और इसका कटिंग अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं एक पार्ट बताया, अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।